जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमारा ऑटोकैड स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहा है, हम यहाँ से टूल कोड, ये ड्रॉ टूल, मॉडिफाई टूल ये कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे मॉडिफाई टूल के अंतर्गत ये पूरे ये सारे जो राइट साइड में आ रहे हैं हमारे, ये किधर भी कर सकते हैं आप, लेफ्ट में भी कर सकते हैं, टॉप में भी कर सकते हैं, बॉटम में, सब जगह वो सेट कर सकते हैं आप। फिर इसके बाद ये ड्रॉ टूल कहलाते हैं, यहाँ से ड्रॉ पे गए आप, ये ड्रॉ टूल कहलाते हैं। दोस्तों हमारा मकसद है अच्छी एजुकेशन, मतलब आप ये जो देख पा रहे हैं कि अभी ज्ञान एमसी घर बैठे कंप्यूटर सीखें, अच्छे तरीके से सीखें और हर एक किसी के पास कंप्यूटर हो जिससे वो अच्छी तरीके से सीख सके, इसलिए हम इसको वीडियो को बनाते हैं और अपलोड करते हैं दोस्तों, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से सीख सकें और बहुत अच्छी तरीके से कंप्यूटर चला सकें। तो यहाँ से दोस्तों हमने ये कंप्लीट कर चुका है, हमने कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ से चलते हैं हम यूट्यूब चैनल अभिज्ञान एमसी के यूट्यूब चैनल पे। देखिए इस तरीके से ये ड्राइंग जो है हमारी, हमने ऐसे शुरुआत करा था ये पार्ट। इसके सभी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट अभी प्लेलिस्ट और पॉकेट की प्लेलिस्ट पे कंप्लीट हैं। ये देखिए इस तरीके से सारे वीडियो बने हुए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं किसी एक पार्ट की, जैसे ये, तो जैसे ये दिया हुआ है, जैसे ये तो ये कमांड है हमारी रिविजन क्लाउड बादल आकार की सेप बनाने के लिए। तो ये बादल आकार की सेप बनाने के लिए इसलिए ताकि ये छोटे पार्ट को कट करके यहाँ पर बड़े रूप में दिखाना रिविजन क्लाउड के अंतर्गत आता है। आप सर्कल में दिखाओगे, ड्राइंग में सर्कल है तो गड़बड़ होगा, लेकिन ये बादल आकार की सेप बना दो कॉल आउट जैसा कि यहाँ से हमने पार्ट को बनाया है, छोटे पार्ट को बड़ा करके हमने यहाँ पर आपको शो कराया है। जैसे कि ये है, अब जैसे ये छोटी सी जगह है हमारे पास, रिविजन क्लाउड में चलते हैं, रिविजन क्लाउड हमने इसको ड्रॉ करा और यहाँ से इसको खुद ऑटोमेटिकली मिल जाता है वो। अब ये देखो ये इतनी सी ड्राइंग में नहीं दिख रहा है, तो इसका बड़ा पार्ट बना दीजिए यहाँ पर और उसको यहाँ पर दिखा दीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर मिला दीजिए, और मिलाने के बाद में उस पार्ट को यहाँ पर दिखा दीजिए। आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप जैसे जैसा माउस घुमाएंगे वैसा वैसा वो खुद बनते चला जाएगा। कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट करना है रिविजन क्लाउड पर और यहाँ से पूरा माउस, जैसा जैसा आप माउस घुमाएंगे वैसा वैसा वो सेप बनते जाएगा, लेकिन वहाँ जाकर खुद मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला आप एस्केप करेंगे तो हट जाएगा। तो जैसे ये चालू करा हमने और यहाँ पर आकर ये देखिए यहाँ पर ये मिल गया सिमसिम, नहीं मिला। अब चलते हैं थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ से आकर उसके पॉइंट पे जाना चाहिए, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो ये रिविजन क्लाउड है कि कहीं पर से आपने सेप कट करा है उसको दूसरी जगह दिखाना है तो वो उस तरीके से आप उसको दिखा सकते हैं। छोटे से पार्ट कई सारी जगह होता है, जैसे कहीं नट बोल्ट है या फिर कहीं छोटा सा कट लगा हुआ है या कहीं छोटा सा होल है या कहीं ड्रिल है या फिर कहीं पर कोई पॉइंट बना हुआ है या सेंटर पॉइंट है, तो उस छोटी सी जगह को आप दूसरी जगह, जैसे ये पॉइंट है, अब ये आपको बहुत छोटा दिख रहा है, अब इसकी डिटेल दिखानी है आपको तो या तो आप सर्कल बना दीजिए यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके सर्कल बना दीजिए, सर्कल को सेक्शन ये दे दीजिए और उस सेक्शन ए को आप यहाँ पर दर्शा दीजिए, तो ये यहाँ पर आप उसको दिखा सकते हैं, यहाँ पर इसको बना दीजिए, क्योंकि ड्राइंग में क्या होता है सर्कल रहता है, तो उसको यहाँ पर बड़ा करके जूम करके इतने हिस्से को जूम करके आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे कि इसको सेलेक्ट करा, वो भी हो गया है, कंट्रोल सी कर दिया और कंट्रोल वी कर दिया, अब इसको बड़ा करके दिखाना है हमको, तो स्केल कमांड से आप इसको